हेलो। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। और सुनाइए, का क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। आप बताओ कौन? हाँ हम भी बढ़िया है। पहचान पा रहे? अरे कौन पहचान नहीं पा रहे क्या? अरे बोल रहे हो? जीजा जी बोल रहे हैं, गुड़िया दीदी के हस्बैंड। अरे गुड़िया के माता? गुड़िया दीदी के हस्बैंड बोल रहे हैं, जीजा जी। अच्छा, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ और सुनाई जी के परिवार में कुशल मंगल सूत्र है ना? परिवार में कुशल मंगल। अच्छा। अरे यार क्या था, मैं मुझे ना एक छोटा सा काम पड़ गया था, इसलिए कॉल किया। छोटा सा काम बताओ ना। ये बोल रहा हूँ, तुम्हारे इस नंबर पे फोन पे चल रहा है, ये नंबर ये पेटीएम चल रहा है, इस पे बात हो रहा है। इस नंबर पे फोन पे इस पे तो ना पर बताओ, कोई बात ना। अरे यार क्या था, मैं एक दोस्त के पास में हूँ, क्या जी? हाँ, अच्छा। भाई साहब बोले फोन पे या पेटीएम के लिए डालने के लिए कह रहा है, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे वाला नंबर भी करा देता इस पे, जिस पे बात हो रहा है। अच्छा। हाँ तो कौन सा नंबर चल रहा है तुम्हारा? हाँ फोन पे तो चल जाएगा, पर एक चीज पूछनी है। हाँ बोलिए। मतलब भाई क्या मिल जाएगी सब करके? क्या मिल जाएगा? हाँ मतलब ये सब करके क्या मिल जाए भाई? आप आम लोगों ने बेवकूफ बना गया। बता ना नंबर देखो। अभी इसमें तो बहुत कुछ है, तुम्हें मालूम नहीं क्या? नहीं मतलब भाई मुझे तो मालूम ना, लेकिन क्या भाई बहुत लोगों ने नुकसान ना हो जाता होगा, बेचारे इनके उड़ जाते हैं रुपया। क्यों करो यार, मत करी करो यार। अरे तो तुम कोई काम धंधा बता दो यार, तुम्हारे पास मार जाऊंगा मैं तो। मैं काम धंधा बता दूं तो दोनों भाई मिलकर कहीं मजदूरी कर लेंगे यार। और बता है? क्या करेंगे? मजदूरी कर लेंगे, कहीं बेलदारी कर लेंगे यार। पर मतलब फ्रॉड तो ना करें ना किसी गैल। कई शरीफ लोग हैं भाई, भी कर भी तो देते हैंगे ना। मजबूरी के कारण भाई यार, पर उनकी भी तो कोई मजबूरी होती होगी जिनके रुपया निकट जाते हैंगे। और भी कमा लेंगे। पर भाई जैसे एक चीज और पूछूं, पर्सनली वैसे पूछ रहा हूँ भाई कि जैसे भाई वे रिपोर्ट विपोर्ट कर रहे हैं तो पुलिस पहुंच ना पाती होगी तुम तक पहुंच जा, जैसे अगर वे रिपोर्ट वगैरह कर दें तो पुलिस पहुंच जाए ना पहुंच पावे तुम तक, पहुंच जा फिर उतनी उन्हें देने पड़ जाते हैं उल्टे। पर भाई मत करो, रिक्वेस्ट है। अगर देखो मानो तो ठीक है, ना मानो तो कोई बात ना, क्योंकि जिंदगी है भाई, कर्म है। काई कैसे खाओगे तो भगवान यही निकाल लेगा कैसे ना कैसे। सुनो, तुम्हारे भी किसी ने पेमेंट लिया था क्या ऐसे, जैसे कि मैं वो तुम्हारा पेमेंट भी निकला या ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ? नहीं आप एक चीज बताऊं भाई, जैसे जो भी पढ़े लिखे लोग होंगे ना भाई, वे एक बार में समझ जाएंगे। जैसे आपने छूटते ही क्या कही कि भाई गुड़िया का हस्बैंड बोल रहा हूँ, फलाने बोल रहा हूँ, ढिकड़ा बोल रहा हूँ, है ना। जो अनपढ़ लोग रहे वे अंदाजे लगा लेते हैं भाई कौन कौन कौन। आपने एक बार भी अपना नाम ना बताया, जगह क्लियर ना बताई, तो आदमी अंदाजे लगा जा भाई। अब आप मेरे को गाली देते, मैं आपको गाली देता भाई, वो चीज तो अच्छी ना लगे। मैं तो नॉर्मली बात कर रहा हूँ आपसे इस बारे में। हाँ ये तो सही बोल रहे ना। हाँ तो अच्छा एक काम करियो भाई, भाई मत ही करियो यह काम, है तो सच बता रहा हूँ। क्योंकि नू नू मान के चलो ना, देखो एक चीज बताऊँ आप है। जो पढ़े लिखे रईस आदमी होंगे ना, वे तो चक्कर में आते ही ना होंगे तुम्हारे में। और जो गरीब लोग हैं बेचारे कैसे ही करके 10-20 हजार रुपया को जुगाड़ करते होंगे, वे थारे चक्कर में आ जाते होंगे। तो गरीबन को ही क्या लूटना भाई, है ना। अरे यार जब गरीब और अमीर ना देखा जाए, जब किसी के अकाउंट में पैसा होता ना तब ना हाँ देखा जाता कोई। पर हाँ फिर भी तो यू चक्कर क्या रहा है, जैसे कि भाई तुम 1 रुपया भेजते, कुछ कुछ भेजते है ना,
तो यहाँ पे अप्रूव करवा लेते हम पे, है ना। तुम बारकोड भेजते, क्या भेजते? हम भेजते हैं इधर से, या नंबर देते हैं या बारकोड भेजते हैं। अच्छा, नंबर देते हैं या बारकोड। तो यहाँ पे हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपना आप हमारे खाते में जितने रुपए उतने निकल जाएंगे, या फिर जितने तुम बताओगे उतने निकलेंगे? ऐसे नहीं होता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, ऐसे नहीं होता है जैसे तुम बोल रहे हो, जैसे क्लिक करेंगे, ये ऐसा सिस्टम नहीं है। और जैसे कि मैं आपके पास है ना 1 रुपए भेजूंगा फर्स्ट में, है ना। हाँ हाँ, वो सेंड मैसेज रहता है ना, जो टेक्स्ट मैसेज है। हाँ हाँ, वो सेंड मैसेज भेजते हैं इधर से, वे समझते हैं हाँ आ गया, वो बुद्धू उल्लू बन जाते हैं ना। हाँ, तो उसी वजह से होता है। वह वजह तो हमने काट दो भाई। हाँ, अरे पुलिस ने कितनी बार धरे हो अब तक? अरे पुलिस ने तो बहुत बार धर दिया। फिर छोड़ दें? अरे पेमेंट लेता है कोई 2 लाख लेता है, कोई 3 लाख लेता है, फिर छोड़ देते हैं पुलिस वाले भी। हाँ, फिर करने लगते हैं तो फिर पकड़ लेते हैं। बहुत 5 बार पकड़ लिया तो 5 बार पकड़ने मारे मुरे भी है। अरे मारते ना खटकड़ में पाँव देते हैं तो पता देता है ना पाँव में, तो सब सभी बार काम नहीं करते ना, 10 लाख कमाए 20 लाख कमाए एक ही पता मांगा लेते हैं। चलो ठीक है भाई मेरे, ठीक है, बस करियो मत आगे तो दोस्त, है ना। वैसे भाई करोगे तो सही, तुम मैं कितनी कह लूं करोगे तो सही, सही बताइयो। पुलिस वाले ने की ना मानो तो भाई मैं कौन हूँ, सही बात है। चलो हो सके भाई, जो चीज़ आप बता रहे हो कई लोगों की समझ में आवे, बचे आपको काम लूटने को, उनको काम बचने को। चलो ठीक है भाई मेरे। तो भाई मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ो फ्रॉड स्कैम चल रहा है, बहुत तगड़ो एकदम खड़ोलू भाई। यहाँ तक भाई अभी जो कॉल सुनी, बहुत तगड़ो स्कैम चल रहा है, जो जैसे ये फोन करके लूटा है ना, तुम तो एकदम छूटते किंगे। और अब भाई मैं तो तुम्हारा रिश्तेदार बोल रहा हूँ, मैं तो फलाना बोल रहा हूँ, मैं ढिकड़ो बोल रहा हूँ, तो मैं लगे कि भाई सही है बोल रहा हूँ तो लेकिन क्या हुआ है कि वहाँ मैं ना बिना सोचे समझे आदमी उन पर यकीन कर लिया। वे कहते हैं कि हम मंगा रहे हैं पैसा तुम्हारे खाते में, तो आदमी नू लगे कि ले थोड़ी रहे हो, मंगाई तो रहे हो, है ना। तो आदमी हाँ पढ़ते हुए पहले भेजें 1 रुपया। जैसे यह रिकॉर्डिंग बताई, तुम्हारी समझ में आई होगी थोड़ी बहुत, जैसे रिकॉर्डिंग बताई तो वे 1 रुपया भेजा, तुम एक्सेप्ट कर लो, वहाँ के बाद वे एक और भेजेंगे अमाउंट, तुम ओके करोगे तो, लेकिन वे रिसीव हुआ को भेजें कि भाई जो उनके द्वारा आवे, तो सारे पैसे ले लें। भाई जागरूक बनो, तेज बनो, होशियार बनो, बस लुटो मत ऐसे काई पे भी। तो भाई मैं ना एक बात कहना चाहूँगी, व्लॉग स्टार्ट होते ही, कि जैसे हम इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हम सब पता क्या सोचे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा, मतलब ठंडी जगह पर रहें, जैसे एसी चला के, कूलर चला के, प्यास लगे थोड़ी थोड़ी देर में हम पानी पिए, है ना। तो भाई हम सोच रहे हैं अपने बारे में ही। तो दोस्तों आज के बारे में जो मैं बात करूँगा वो यूँ है कि जो पक्षी हैं भाई इतनी गर्मी में, तो भाई वे कैसे अपना पेट भर रहे होंगे, कैसे वे पानी पी रहे होंगे। तो ज्यादातर पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आज उनके लिए भाई कुछ करेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे वह चीज आगे देखेंगे, फिलहाल चल लेते हैं पलवल। और मैं निकल लिया हूँ अभी जो चाचा का लड़का है गजराज, वह लेने के लिए, वह लेके भाई फिर सीधे पहुंचते हैं पलवल, ठीक है। देखो भाई जैसे जितने पेड़ वगैरह दिख रहे हैं ना, जहाँ गहरी सी छाया है, अपने घर के आसपास भाई जो पेड़ है ना, उन पर कुछ ना कुछ पानी को ऐसे इंतजाम करने की सोच रहा हूँ जो पक्षी पी लें। तो दिमाग लगाऊंगा, थोड़ा सोचूंगा, फिर देखते हैं क्या करते हैं। नहीं, पलवल जा रहे हैं, और यू जो लोकेशन है यू लियाई हमें, देखे ऐसे जो गूगल है, गूगल ने भाई यू बता दिया मैं रहा पलवल जाने के लिए। अबे गूगल पे तरसा रहा अपने आप पे भी, क्योंकि सामी तारा ट्रैक्टर भाई, निकलेंगे कैसे यार भाई, कहाँ दबा जगह जगह भी मिलेगी भाई, हमें तो जगह मिलेगी ना, मिली भाई गुरु। मैं ना करो भाई, किसी ने कितना बढ़िया काम करो, तरबूज काट के और अब गाय माता के निया डाल दियो भाई, लोग तो बहुत ज्यादा जागरूक हो ही रहे हैं, जो बात है सही है गुरु। एक मिनट रुको, यहाँ कहाँ काम करे करो आप? यही पे करे है, ये दुकान के सामने। ये मशीन किसकी है? ये संजय का है। बिलिया को बिल बिल तो मालिक देता है। तो भाई बताओ ना, यू कहीं ऐसा तो ना, यू कहीं और क्यों नहीं,
ये तो मेरे को दिया था चलाने के लिए। फिर तुम चला रहे हो? हाँ, चला के बस मैं अपने पास रखूंगा, फिर सुबह चलाना। तुम दूसरे की चीजें ऐसे कैसे रख सको भाई? यार वो दिया चलाने के लिए, तो वहाँ छोड़ेंगे कोई ले लेगा तो ऐंठ क्यों रहे हो भाई तुम? मैं क्यों ऐंठूंगा? अरे अरे नहीं भाई, भाई मैं आपके लिए कोई चीज है मेरे पास दूं। क्या है? एक बढ़िया, मतलब कोई खास ना पर है। लो भाई, भाई एक मिनट, यू हम आपके बड़े भाई की ओर था आपको। लो भाई, लो भाई ये पकड़ो भाई, और ये पकड़ो। ठीक है, खुश है? ऐठा का ना? नहीं। चल ठीक है भाई, मस्त रहा। सुन, इतनी लगन तक काम करे जियो, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, थोड़ा भाई बच के बीमार नहीं होना। कम ही करता हूं। हाँ, काम थोड़ा गर्मी में भाई कम, थोड़ा सा हिसाब तो बीमार नहीं पड़ना। नहीं, बीमार तो नहीं पड़ता हूं। आपकी एक चीज पूछूं मैं आपसे, पूछ कर जो मैंने वीडियो बनाई है, मैं इसे कहीं डाल सकूं ना डाल सकूं? डाल दो। अरे भाई बस ठीक है, डन भाई। बात भाई चलेगा भाई, भाई की प्रमोशन होगी, लेकिन रियल में बहुत मेहनत करके जो आदमी शाम को अपने घर जा रहे हैं ना, बहुत खुशी है। शुरू में तो वार नू लग रही, देखिए लाइट जला दियो, शुरू में तो भाई वार नू लग रही कि क्या ही है क्या। हाँ, पर ठीक है यार भाई, थोड़े से ऐसा हंसी मजाक कर लें, लेकिन किसी को पर्सनली इतना मत डराओ, मतलब ठीक है यार, जो मन करो वो करो यार, सोशल मीडिया आयु ना। बाकी हाँ भाई, मेरे कहने तक एक चीज जरूर मैं कल करूंगा। नू मतलब बुखार ठीक होगा तेरा? यहाँ देख, आ जा। बुखार ठीक होगा तेरा? मतलब बुखार ठीक होगा? यार बुखार चढ़ गया बहुत तेज, है ना, गर्मी ज़्यादा है, गर्मी की वजह से चढ़ गया ना, है भाई? बता, गर्मी की वजह से बुखार चढ़ गया ना तेरा? हाँ भाई, क्या हाल है? क्या बोलते देवान? ये देवांश तो कही है? वापस मत करना। अच्छा अच्छा, लिया रे लिया। ओए आजा आजा, ओए खाने की तलाश में कुछ हो गए ना, सिर चलेगा ना ना, अरे जाने की ना भाई, ठीक है आजा रे आजा। आज छोटे दिखे हैं। हां, खुश थोड़ी होना भाई, बात एकदम खुश थोड़ी होंगे यार भाई, घूम फिर के अपने आगे घर। और भाई देखो, मैंने तुम्हें ना अभी एक अभी जो पीछे क्लिप चली हुई दिखाई होगी कि भाई लोगों के साथ कितना ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो बिल्कुल दिमाग तक काम लो, ठीक है, होशियारी तक, किसी के चक्कर मारने की जरूरत नहीं है, तो किसी के अकाउंट में कोई पैसा वैसा मत डालो, फ्रॉड हो जाएगा भाई तुम्हारे साथ। क्योंकि देखो, पैसा कोई भी कमा सके, जो मेहनत करेगा भाई वो कमा सके, लेकिन वहाँ के साथ साथ बुद्धि भी रखनी जरूरी है, क्योंकि ये दीन दुनिया में बहुत लुटेरे बैठे हैं, बहुत लूट खसोट वाले बैठे हैं भाई, जो तुम कमाओगे वह नहीं लेके चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए भाई दिमाग से यूज करो अपना OTP, अपना फोन पे, पेटीएम, इंस्टाग्राम, ना किसी को पासवर्ड देना, ना कुछ करना भाई, अपने सावधान रहो, सतर्क रहो, और भाई ऐसी मौज काटते रहो। देखो मैंने तो बात बात में वह भैया पे सारी चीज हंगवा दी, वहां ने सारी बात बता भी दी कि कैसे कैसे क्या स्कैम चले, तो भाई वह चीज समझो और चलन दो भाई ऐसे ही, ठीक है।